सेक्स समस्या के वजह से सुसाइड के विचार, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये करीब करीब 30 साल का लड़का ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो कॉल मेरे से किया अपॉइंटमेंट लेके। काफ़ी चिंताग्रस्त, उदासीनता भी बहुत है और उसको लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। बोले मैं बार बार वही विचार आ रहा है अभी, क्योंकि अभी मैं मुंह बताने लायक नहीं रहा। बोले क्या हो गया? बोले अभी घर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि शादी कर शादी कर, और मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं शादी करूं तो मैं मेरे पत्नी को खुश नहीं कर पाऊंगा। बोले हुआ क्या? बोले कुछ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बोले हुआ क्या बताओ। फिर उसने बता दिया कि कुछ दिन पहले बच्चों में, मतलब दोस्तों में ऐसी बातें निकली, फिर लोगों ने बोला कि भाई तू अभी शादी करेगा तो एक बार टेस्ट कर ले। तो बोला ठीक है, टेस्ट कर लेंगे, उन्होंने बताया। तो वो टेस्ट करने के लिए कोई सेक्स वर्कर के पास में गया। वहाँ जाने के बाद में बोले मेरी गलती ऐसी हो गई कि जेब में से पर्स निकाला और पर्स में 3 या 4 हज़ार ऐसे कुछ तो भी रुपए थे, और वो जो सेक्स वर्कर थी उसको 400 रुपये देने थे। उसने पहले ही पैसे ले लिए। तो उसने देखा कि इसके पास में पैसे हैं और फिर 400 ले लिया। फिर और डिमांड करने लगी कि नहीं नहीं और दे दो मुझे, मैं आपको अच्छी सर्विस दूंगी। फिर नहीं नहीं आपको 400 भी दूंगा। ऐसे इसमें फिर झटापटी में वो सेक्स करने के लिए गया। अब वो जो सेक्स वर्कर थी उसका वही था, चालू था कि नहीं आप मेरे को ज़्यादा पैसे दो, क्योंकि उसने पैसे देख लिए इसके पास में है करके। उसने उसको कोई कोऑपरेट किया नहीं और उसमें उसका कुछ हुआ नहीं, फेल हो गया। उसने उसका मतलब आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया कि तुम आदमी में नहीं हो, इतने पैसे आपके पास में है तभी आप खर्चा नहीं करते हैं और आपको सुकून मिलेगा नहीं, आप हमें दुखी करके जा रहे हैं, आप ज़्यादा पैसे देते मैं आपको खुश कर सकती थी वगैरह, ऐसा कुछ तो भी उल्टा पुल्टा वो बोली। उसको बहुत डिप्रेशन आ गया। उसको लगा कि जब ये बोल रही है कि मैं काम का नहीं रहा और सेक्स कर ही नहीं पाया, इरेक्शन ही नहीं हुआ, बाद में वो बहुत डिप्रेस होकर बहुत टेंशन में घर पर चला आया। उसी से उसको लगा कि अपन ने भी सुसाइड कर लेना चाहिए, मगर संभव उसने नहीं किया। दोस्तों को फ़ोन किया, बोले कि ठीक है अभी अपन इसका इलाज करेंगे। फिर और इधर उधर गए, हो इलाज तो हुआ ही नहीं, मगर बार बार उसको लगता है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, पहले भी टेस्ट करना चाहिए और मैं टेस्ट करने के समय पास हो जाऊंगा उसमें मैं कर सकूंगा, बाद में मैं शादी के लिए फिर हाँ बोलूंगा। फिर ऐसे कंडीशन में जब मैं उसको बोला कि भाई देखो ये दोनों है ना पैराडॉक्स है, मतलब जब तक आपको दिमाग में टेंशन है तो आपको लैंगिक कठोरता आएंगी नहीं, और जब तक लैंगिक कठोरता आएंगी नहीं तब तक आपका दिमाग का टेंशन जाएगा नहीं। तो इसमें आपको अभी टेस्ट ही करना है, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, टेस्ट ही करना है आपको। तो आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा कि वो समझ लेंगी, आपको आपको सपोर्ट करेगी, हो सकता है कि ज़्यादा पैसे लेगी, मगर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको कुछ हुआ है नहीं, मैंने डॉपलर किया टेस्ट, वो टेस्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ एंग्जाइटी है, यहाँ वरी है, यहाँ टेंशन है, परफॉर्मेंस का डर है, वो निकलना चाहिए, और जब तक यहाँ ठीक नहीं तो कठोरता आएंगी नहीं। नहीं बोले मैं तो शादी करूँगा ही नहीं, मैं तो इससे अच्छा मर जाऊँगा, क्योंकि कोई लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना अच्छा नहीं है। बोला ठीक है आपको टेस्ट करना है टेस्ट करो, मगर शर्त यह है कि जहाँ भी आप टेस्ट करेंगे वहाँ वो समझ के लेने वाली लड़की होना या सेक्स वर्कर होना, तभी आप कर पाओगे। और उसको बताना पड़ेगा आपको कि मेरे को आप आराम से रिलैक्स होके जो भी करना है कॉपरेट वो करो, जबकि मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी चॉइस आपका है, आप ऐसी जगह शादी कर सकते हैं कि जहाँ लड़कियाँ शादी के बाद में रुकती है इलाज करने के लिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभी केसेस मैंने देखा है कि लड़कियाँ नहीं जमता है समझो हस्बैंड को सेक्स, तो रुकती, बोले ठीक है इलाज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सेक्स नहीं हुआ तो दूसरे दिन भाग जाएगी, हार्डली ऐसा होता है कभी कि नहीं नहीं सेक्स के लिए 2-4 दिन देखा नहीं जमा तो लड़की भाग गई, ऐसा होता नहीं है। बोले ठीक है आप वैसा करो मत, टेस्ट मत करो, शादी करो, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ होगा नहीं, आपका इलाज बराबर होगा, आप परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाओगे, और बाहर जाने की कहीं जरूरी नहीं है, टेस्ट करने की जरूरी नहीं है। तो जब मैंने आश्वासन दिया उसको, बोले ठीक है मैं शादी करने के पहले, मतलब तय हो जाएंगी उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, शादी के बाद में क्या क्या करना है इन्फॉर्म करूंगा, आपके साथ में कॉल करूंगा, ऐसा प्रॉमिस करके। और मैंने बोला आपने एक प्रॉमिस देना है कि आप सुसाइड के विचार लाएंगे नहीं और आएंगे तभी सुसाइड करेंगे नहीं, ये प्रॉमिस मुझे दो। बोले ठीक है मैं वो भी आपको प्रॉमिस देता हूँ, ऐसा करके उसने विदाई लिया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी वो नौजवानों को शेयर करो जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं, हमको मालूम ही रहता नहीं उसने सुसाइड क्यों कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, लोगों को ये बाहर बात आती नहीं है। फिर लोग बोलते फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जा हो गया था, फिर लव अफेयर है, दिस दैट, कुछ तो भी निकलते रहता है। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत।
इसमें आप भी हमारे पार्टनर बनिएगा। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर नाम का, तो ऐप डाउनलोड करो और उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, हमको आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।